समूचे विश्व में योग ही एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जो एक साथ शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाती है। योग ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलते हुए हम भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। भौतिकता को इस तरह से कि योग साधना से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, जिससे कि हमारे जीवन में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का विकास होता है और अंततोगत्वा हम अपने जीवन में अधिक सफलता को पाते हुए भौतिकता का अधिक सुख ले सकते हैं। वहीं आध्यात्मिकता इस तरह से कि योग से हमारे मन का परिष्कार होता है और हमारा मन इतना सशक्त हो सकता है कि वह ईश्वर तत्व का साक्षात्कार कर सके। योग की साधना करना केवल कुछ आसन कर लेना, केवल थोड़े से प्राणायाम को कर लेना नहीं है, बल्कि योग एक समूची जीवन शैली है। और योग की इस जीवन शैली को अपनाने से पहले एक व्यक्ति को यम तथा नियमों का पालन करना होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वह ऐसी बात करेंगे कि हमारे जैसे साधारण मनुष्य भी इन नियमों का पालन कर सकें। इसके लिए कोई कठिन साधना या किसी अलग जीवन शैली की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने रोजमर्रा के कार्यों को करते हुए केवल थोड़े से प्रयास से आप इस शैली को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप निश्चित रूप से यह मान लेंगे कि एक मनुष्य अपने जीवन में यम तथा नियमों का पालन करते हुए सुखमय और समृद्ध जीवन बिता सकता है। उसे कभी भी असफलता और दुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो यम और नियम क्या हैं और इनका पालन कैसे करना है, इसे जानने से पहले आइए प्रभु श्री राम की एक छोटी सी कहानी से इनके महत्व के बारे में जानते हैं। लंका का युद्ध अपने अंतिम दौर में था। लंका के लगभग सभी बड़े योद्धा जैसे कि यतिकाय, अकंपन, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ये सभी वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। बचा था तो केवल रावण, और रावण को अपने आप पर इतना अभिमान था कि वह मानता था कि मैं अकेले ही इस युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुंचाकर अपने पक्ष में विजयशील ले आऊंगा। और जब रावण युद्ध में उतरा तो उसका यह अहंकार निर्मूल नहीं था। उसने अकेले ही संपूर्ण वानर सेना में तबाही मचा दिया। प्रभु श्री राम को विवश होकर युद्ध में आना पड़ा। लेकिन उस दिन के युद्ध में रावण अलग ही स्थिति में था। प्रभु श्री राम के सभी वार उस पर आकर निष्फल हो जाते थे। और तब प्रभु श्री राम ने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह तो रावण है ही नहीं। रावण तो बस पुतले की तरह युद्ध भूमि में खड़ा है। पीछे से युद्ध तो शक्ति लड़ रही है, देवी दुर्गा लड़ रही हैं। श्री राम यह देखकर आश्चर्यचकित हुए और उनका मन खिन्न हो गया। उस दिन का युद्ध जब शाम को समाप्त हुआ तो एक तरह से रावण विजयी होकर वापस अपने शिविर में लौट रहा था तो श्री राम हारे हुए खिन्न मन से नजर झुकाए हुए वापस लौट रहे थे। श्री राम ने अपने सैनिक दलों को बुलाया और कहा कि इस युद्ध में अब विजय संभव नहीं, क्योंकि रावण को गोद में लेकर देवी शक्ति युद्ध कर रही हैं। इस पर जामवंत जी ने बताया कि श्री राम, इसमें तो कोई हारने वाली बात नहीं है। यदि रावण दुष्ट होकर खल होकर के देवी शक्ति को प्राप्त कर सकता है तो आप तो न्याय और सत्य की प्रतिमूर्ति हैं। आप भी साधना कीजिए, आप भी साधना करके देवी दुर्गा को प्रसन्न कीजिए। और जब तक आप साधना कीजिएगा तब तक मैं हूँ, लक्ष्मण हैं, सुग्रीव हैं, अंगद हैं, हनुमान हैं, हम सभी मिलकर युद्ध का संचालन कर लेंगे। प्रभु श्री राम ने जामवंत जी की बात को शिरोधार्य किया और उन्होंने योग तथा भक्ति की सम्मिलित पद्धति से देवी दुर्गा की आराधना करने का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, आप सुबह सवेरे ही देवी देह जाना और 108 कमल के पुष्प लेकर आना और उसके बाद जाकर युद्ध लड़ना। हनुमान जी के लिए यह काम चुटकी बजाने जैसा आसान था। प्रभु श्री राम योग में प्रवेश करने वाले थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने सीधे सीधे ही ध्यान नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने यम तथा नियमों का पालन किया। अपनी लंबी कविता राम के शक्ति पूजा में निराला जी इस दृश्य को चित्रित करते हुए लिखते हैं कि है नहीं शरासन आज हस्त तूरीण अस्कंद, वह नहीं सोहता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद, सुन पड़ता सिहनाद रण कोलाहल आपार, उमड़ता नहीं मन
अस्तब्ध सुधी है ध्यान धार। युद्ध हो रहा है, कल तक राम भी उस युद्ध के हिस्सा थे, लेकिन आज जब योग में प्रवेश करने वाले हैं तो श्री राम का मन युद्ध की तरफ जाता ही नहीं है, यानी कि वे अहिंसा का पालन कर रहे हैं। पूजनों प्रांत जबते दुर्गा दशभुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर, इष्ट के चरण गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। वह पूरा दिन बीत गया। राम एक दिन तक न युद्ध में गए न योग में प्रवेश करते हैं। पहले दिन ध्यान करते हुए वे यम तथा नियमों का पालन करते हैं और उसके बाद दूसरे से पांचवें दिन के बीच में वह योग की उस स्थिति में होते हैं जहां पर प्रत्येक दिन वे एक एक चक्रों का भेदन करते हुए अपने मन को ऊपर ले जाते हैं। वे श्री राम हैं, उनकी कुंडलिनी पहले से जागृत है, उन पर गुरु का आशीर्वाद पहले से प्राप्त है। वे एक दिन में एक चक्र को भेद सकते हैं, हम और आप नहीं भेद सकते हैं। हमें और आपको जन्मों लग जाएंगे इसे करने के लिए, लेकिन श्री राम हैं। निराला लिखते हैं कि क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निरलस, ऊपर चढ़ता गया। एक एक दिन पांच दिन बीत गए, कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, एक बार जपते और एक कमल का फूल चढ़ाते। निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर, चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। छठे दिन छठा चक्र आज्ञा चक्र पर उनका मन पहुंच गया, प्रति जप से खिंच खिंच होने लगा महाकर्षण। और उस समय जब वे एक एक शब्द अपने मुंह से निकालते, दुर्गा जी का एक एक नाम अपने मुंह से निकालते, तो ऐसा लगता जैसे पूरे ब्रह्मांड में उसकी ध्वनि फैल रही हो। क्योंकि जब आप आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं तो आप ब्रह्मांड से एकीकृत हो जाते हैं, कॉस्मिक एनर्जी और आपकी एनर्जी एक साथ मिल जाती है। उस समय प्रभु श्री राम की स्थिति क्या है? संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। त्रिकुटी पर ध्यान है, दोनों आंखों के बीच में जो स्थान होता है, जहां पर टीका लिया जाता है, जहां पर बिंदी लगाया जाता है, भगवान श्री राम का ध्यान वहां पर है। और आंखें कहां हैं? देवी के पद पर। उन चरण कमलों को देखते हुए प्रभु श्री राम अपनी त्रिकुटी पर ध्यान लगाए हुए जप को पूरा कर रहे हैं। दो दिन निष्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। आठवां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। एक दिन यम और नियम का पालन किया और आठ दिन योग साधना की। आठवें दिन वे सहस्रार को भी पार करके उस स्तर पर पहुंच गए जहां पर त्रिदेव निवास करते हैं। वे प्रभु श्री राम हैं, वे इस तरह की साधना कर सकते हैं। हमें और आपको जन्मों लग जाएंगे, लेकिन इस कहानी के माध्यम से मुझे इतना ही बताना था कि प्रभु श्री राम जैसे पहुंचे हुए साधक को भी योग में प्रवेश करने से पहले यम और नियमों का पालन करना पड़ा। वे पहले ही दिन से योग पर स्थित नहीं हुए। पहले दिन उन्होंने अपने मन को अहिंसा की तरफ लगाया, पहले दिन उन्होंने अपने मन को शांत किया, ध्यान किया और अपने शरीर तथा मन को स्थिर करते हुए अगले दिन से योग में प्रवेश किया और तब जाकर उन्हें सफलता मिली। अब आइए जानते हैं कि ये पांच यम और पांच नियम क्या हैं और इनका पालन किस तरह से किया जाना चाहिए। तो यम पांच हैं, ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा को आम तौर से किसी प्रकार की जीव हत्या न करना माना जाता है, पर यहां अहिंसा का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक और सूक्ष्म है। किसी प्राणी को मन, वचन या कर्म से किसी प्रकार की पीड़ा पहुंचाना भी हिंसा है। अतएव योग मार्ग के साधकों को इन विधि निषेधों का कठोरता पूर्वक पालन करना पड़ता है। योग सूत्र में व्यास जी ने कहा भी है कि अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामाभिद्रोह, अर्थात सभी प्राणियों के प्रति हर प्रकार के विद्रोह भाव का परित्याग करना ही अहिंसा है। यह अहिंसा जाति, देश या काल के कारण सीमाबद्ध हो सकती है। उदाहरण के तौर पर मछुआरे को लिया जा सकता है। मछली मारना उसका धंधा है और जीविकोपार्जन का साधन भी। अतएव
इसमें जीव हिंसा होते हुए भी वह उसे नहीं छोड़ सकता, पर अन्य किसी प्रकार की हिंसा में वह लिप्त न हो तो उसकी यह अहिंसा जातिगत कारणों द्वारा सीमाबद्ध हुई मानी जाएगी। अनेक लोग केवल तीर्थों में जाकर इस नियम का पालन करते हैं, जबकि अन्य जगहों पर हिंसा का त्याग नहीं कर पाते। ऐसी अहिंसा देश द्वारा सीमाबद्ध होती है। कई लोग पर्व त्योहारों के दिन ही यह अनुबंध अपनाते हैं, इसलिए यह काल द्वारा सीमाबद्ध अहिंसा हुई। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न अवसरों पर अपनाई गई अहिंसा भी सीमाबद्ध हो सकती है, जैसे सैनिकों द्वारा युद्ध मोर्चे को छोड़कर अन्यत्र इसका परिपालन करना, किसी व्यक्ति द्वारा आत्मरक्षार्थ अथवा दूसरे की रक्षार्थ बन पड़ी हिंसा के अतिरिक्त और समय में इससे परहेज करना। किंतु जो कठिन साधक है, उसे तो साधना मार्ग पर सफलतापूर्वक चढ़ते रहने के लिए पूर्णतः अहिंसा का परिपालन करना होता है, लेकिन हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों को जहाँ तक हो सके अहिंसा का पालन करना है, और कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में हिंसा का मार्ग अपना लेने पर भी हम भ्रष्ट नहीं होते हैं। दूसरा है सत्य। मन, वचन और कर्म में एक रूपता को सत्य कहते हैं। यह सत्य भी समय और परिस्थिति को देखते हुए ही बोलने का निर्देश है। देश के रक्षक यदि गोपनीय सूचनाओं को शत्रुओं के समक्ष प्रकट कर दें, तो इससे राष्ट्र रक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। अस्तु, ऐसे सत्य को न प्रकट करना ही सबके हित में है। एक कथा प्रसिद्ध है कि एक बार एक कसाई अपनी बूढ़ी गाय को ढूंढते हुए एक निर्जन स्थान से गुजरा। वहां पर एक ब्राह्मण वेद पाठ कर रहा था। कसाई ने उससे अपनी गाय के बारे में पूछा तो उसने वस्तु स्थिति को भांपते हुए उसका गोलमोल उत्तर दिया। कहा, जिसने देखा है वह बोलती नहीं और जो बोलती है उसने देखा नहीं। इससे एक साथ दो प्रयोजन साधे गए। गाय की प्राण रक्षा हो गई, जो कि सत्य बोलने से शायद न हो पाती, और दूसरा उसके मिथ्या न बोलने के संकल्प का निर्वाह भी हो गया। ऐसे ही कठोर सत्य को न बोलने का निर्देश है। यदि अंधे को अंधा और लंगड़े को लंगड़ा कह दिया जाए तो यह सत्य होते हुए भी अपमानजनक संबोधन है, इसे गाली समझा जाता है। अतः ऐसे वचनों का शास्त्रों में निषेध किया गया है। साधना काल में जो साधक इस सत्य तत्व पर पूर्ण रूपेण प्रतिष्ठित हो जाता है, उसकी वाणी साधारण नहीं रह जाती, वह फलदायी हो जाती है। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी सोचता, विचारता या बोलता है, वह फलित होने लगता है, अर्थात वह वाक्य सिद्ध हो जाता है। इसी की ओर संकेत करते हुए पातंजल योग सूत्र में आता है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाशयत्वम, अर्थात सत्य की प्रतिष्ठा होने पर वाणी और विचारों में क्रिया फलदान की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा है अस्तेय। दूसरे की वस्तु को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में पाने की आकांक्षा न करना अस्तेय है। इससे व्यक्ति की लोभ लिप्सा पर अंकुश लगता है और मन इतना अनुशासित बनता है कि किसी बिगड़ेल घोड़े को साधने के जैसा ही आप मन को साध सकते हैं। इसीलिए साधना पथ के पथिकों के लिए अस्तेय की महत्ता कम नहीं अपितु सर्वाधिक है। देखा गया है कि अनेक बार साधक सिर्फ इसलिए मार्ग च्युत हो जाते हैं कि उनका मन निरंकुश होता है। वह किसी वस्तु के प्रति कई बार इस कदर पागल हो उठता है कि उसकी प्राप्ति ही उसके लिए सर्व प्रमुख बन जाती है, जबकि साधना जीवन का प्रधान लक्ष्य होते हुए भी गौण बनी रहती है। इस प्रकार साधक शनै शनै साधना पथ से दूर हटते हुए अंततः उससे विलग हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो एक साधारण जीवन में भी यदि आप अस्तेय को अपनाते हैं तो आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। अस्तेय को परिभाषित करते हुए शांडिल्यो उपनिषद में आता है कि अस्तेयम नाम मनोवाक्काय कर्म भी पर द्रव्येशः निःशप्रियता, अर्थात शरीर, मन और वाणी द्वारा दूसरे के द्रव्य की इच्छा ना करना अस्तेय कहलाता है। चौथा है ब्रह्मचर्य। मन को ब्रह्म तथा ईश्वर पारायण बनाए रखना ही ब्रह्मचर्य है। योग सूत्र में कहा गया है कि गुप्त इंद्रिय के संयम को ब्रह्मचर्य कहते हैं। शांडल्योपनिषद इसकी और सूक्ष्म व्याख्या करते हुए कहती है कि ब्रह्मचर्य नाम सर्ववस्थासु मनोवाक्काय कर्म भी सर्वत्र मैथुन त्याग, अर्थात
सर्वावस्था में सर्वत्र शरीर मन वाणी द्वारा मैथुन का परित्याग ब्रह्मचर्य कहलाता है। शास्त्रों में मैथुन के 8 प्रकार बताए गए हैं। स्मरणम कीर्तनम केलिह प्रक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पो ध्याय वशायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। अर्थात काम भाव से स्त्री का स्मरण, उसके साथ क्रीड़ा, उसका स्पर्श, उसके साथ एकांत में वार्तालाप, मैथुन का संकल्प, उस संकल्प को पूरा करने के लिए उपाय करना और क्रिया पूरी करना या संसर्ग करना, ये मैथुन के 8 प्रकार मनुष्यों ने बताए हैं। वहीं स्त्रियों के लिए ये बात पुरुषों की कल्पना के माध्यम से कही जा सकती है। इसके विपरीत इन सब का त्याग करना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य को सिद्ध कर लेने वाले साधकों के संबंध में पातंजल योग सूत्र कहता है कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अर्थात ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने पर साधक को वीर्य लाभ होता है। वीर्य लाभ होने से साधना के अनुकूल गुण समूह पैदा होते हैं, जिससे योगाभ्यासी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। एक साधारण मनुष्य को भी गृहस्थ जीवन से पहले और गृहस्थ जीवन के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इससे आपकी शक्ति का विकास होगा और आप संपूर्ण रूप से अपने जीवन को सुचारू ढंग से जी सकेंगे। 5वां और अंतिम यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह को प्राप्त साधक काल और ज्ञान संबंधी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पातंजल योग सूत्र कहता है अपरिग्रह अस्थैर्ये जन्म कथांता संबोध। अर्थात अपरिग्रह के स्थिर होने से जन्म वृतांत का ज्ञान प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, कैसे थे, इस जन्म की परिस्थितियां ऐसी क्यों हुई एवं हमारा भावी जन्म कब, कहां, कैसा होगा, इस ज्ञान का उदय होना अपरिग्रह साधना द्वारा ही संभव होता है। अपरिग्रह का मतलब है संचय न करना, त्याग करना, और त्याग के द्वारा ही एक साधक को अपने जीवन की वास्तविकता का पता चलता है। यहाँ साधारण मनुष्यों के लिए त्याग करने का आशय सब कुछ छोड़ देना नहीं है, बल्कि बुरे कर्मों और गलत प्रकार से प्राप्त हुए धन का त्याग करना ही अपरिग्रह है। ये तो हुए 5 यम, जिन्हें कि हम यम पंचक भी कहते हैं। अब जानते हैं कि नियम क्या हैं। नियम भी 5 प्रकार के हैं। ये 5 नियम हैं शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच पवित्रता को कहते हैं। बाह्य और आंतरिक शुचिता, यह दोनों ही इसके अंतर्गत आती है। एक साधारण मनुष्य को भी अपने बाह्य यानी कि भौतिक जगत में और अपने अंतर यानी मन के अंदर शुद्धता को लाना चाहिए, और इसी शुद्धता को लाने की क्रिया को शौच कहते हैं। जब आप बाहर और भीतर दोनों तरफ से शुद्ध होते हैं तो लोग स्वतः ही आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे कहीं भी साफ सफाई को देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है, वैसे ही हमारे आसपास और हमारे अंदर की सफाई को देखकर दूसरे व्यक्ति का मन भी प्रसन्न हो जाता है। दूसरा है संतोष। ईश्वर की इच्छा से या प्रारब्ध से जब भी जो कुछ भी मिले उसी से सुखी रहना ही संतोष कहलाता है। शांडिल्यो उपनिषद में एक ऐसा ही कथन है कि संतोषो नाम यद्र क्षलाभ संतुष्टि। संतोष से परम सुख की प्राप्ति होती है, असंतोष ही अशांति और दुख का कारण है। इसलिए साधकों को स्वल्प में संतोष का निर्देश दिया जाता है। साधारण मनुष्यों के लिए संतोष का आशय अपनी इच्छा का त्याग करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आकांक्षा का ही परित्याग कर दें, बल्कि आप यदि किसी चीज को पूर्ण रूप से चाहें, उसे पाने के लिए प्रयास भी करें, लेकिन दैववश कभी आपको वह वस्तु नहीं मिलती है तो उसका मातम न मनाना ही साधारण मनुष्यों के लिए संतोष है। तीसरा है तप। कष्ट सहन करने को ही तप कहते हैं। जो व्यक्ति स्वेच्छा से सीमित साधनों में ही अपने जीवन का निर्वाह करते हुए प्रसन्न रहे वह तपस्वी कहलाता है। साधारण मनुष्यों के लिए तप की बात करें तो वह है कष्ट सहते हुए तपते रहना। जैसे कि एक विद्यार्थी के लिए छोटे से कमरे में अपने भूख और नींद पर नियंत्रण प्राप्त करते हुए अनवरत मेहनत करना ही तप है। एक ऐसे मनुष्य के लिए जो कुछ पाना चाहता है तो उसे अपने बाकी आवश्यकताओं को काट छांट कर धन को इकट्ठा कर अपनी इच्छा को पूरा करना ही तप है। तप तभी कहा जाता है जब आप अर्थ को धर्म के माध्यम से प्राप्त करें। यदि आप अधर्म के पथ पर चलकर अर्थ प्राप्त करते हैं
तो वह तप नहीं है। और तप को करने से आपके जीवन में इतनी सुख और समृद्धि आती है, संतुष्टि आती है कि आप शांति के साथ जीवन जी सकते हैं। साथ ही समाज में आपका महत्व बढ़ता है, लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। चौथा है स्वाध्याय। श्रेष्ठ ग्रंथों के अध्ययन और श्रवण को ही स्वाध्याय कहते हैं। इसकी पूर्णता से इष्ट देवता की उपलब्धि और साक्षात्कार होता है, और सामान्य मनुष्यों के लिए भी पढ़ते रहने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे कि जीवन में क्या गलत है और क्या सही है इसके बारे में हम जानते हैं। एक ज्ञानी मनुष्य को यह समाज कितना इज्जत और प्रेम देता है, यह तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और पांचवा है परमात्मा को अपने कर्म अर्पित कर देना, ईश्वर प्राणिधान करना, ईश्वर को याद करना, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। यह तो कठिन साधक और सामान्य मनुष्य दोनों के लिए ही लाभदायक स्थिति है। जब हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर ही हमारा कर्ता धर्ता हो जाता है, फिर हमें और किस बात की चिंता है। जब प्रभु ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, प्रभु ही हमारे अभिभावक हैं, तो फिर हमें किस बात की चिंता, हम क्या सोचें, वह जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो यह हुए पांच यम और पांच नियम। यदि आप अपने जीवन में इसका पालन करते हैं, रोजमर्रा के जीवन में इसका थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते हैं, तो आप इस भौतिक जगत में संतुष्टि को पाते हुए, शांति के साथ जीवन जीते हुए अपने जीवन को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।